देश मेरे तू जीता रे, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या सौ लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की यार। तो हाय फ्रेंड्स, आपने ये वाली वीडियो देख लिया किस तरह से हमने 26 जनवरी की वीडियोस बनाई है, क्योंकि अभी दो दिन में 26 जनवरी आने वाली है। तो हर कोई कुछ ना कुछ अपना नया करने की कोशिश करता है, अपनी एक वीडियोस बनाता है, चाहे वो टिकटॉक पर या फिर व्हाट्सअप स्टेटस पे किसी पे भी डालकर वो अपनी वीडियो को वायरल करना चाहता है, या फिर 26 जनवरी के दिन अपने फ्रेंड और फैमिली को विश करना चाहता है इस तरह की वीडियोस बनाकर। तो इस तरह की वीडियोस कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, सब कुछ मैं सेटअप करके दूंगा आपको, सिर्फ अपनी वीडियोस के अंदर ऐड करनी रहेंगी। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा किस तरह से वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरविंद यादव है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यू ज्ञान सम्राट। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बनाने के लिए और ऐसी वीडियो बनाकर एडिट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है काइनमास्टर एप्लीकेशन। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इस एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर वाटरमार्क भी नहीं आएगा, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। तो चलिए, अभी हमने ओपन करके रखा है इस एप्लीकेशन को, तो प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और आप ये वाला फ्रेम ले लीजिए। लेने के बाद फ्रेंड्स हम मीडिया पे क्लिक करेंगे। मीडिया पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से एक वीडियो यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स ये वाली वीडियो मैंने बना के रखा। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगी ये भी मैं बताता हूँ। ये जो वीडियो आप मेरी देख रहे हैं, वीडियो की लास्ट में आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। आप मेरी वाली वीडियो को डाउनलोड करके बाद में यहाँ पर कट कर लेना बाकी के पार्ट्स को, ठीक है। तो चलिए, अभी हमने वाली वीडियो यहाँ पर ले ली है। तो चलिए हम क्या करेंगे, अभी लेयर पर क्लिक करेंगे और मीडिया पर। मीडिया पे क्लिक करने के बाद हम एक और वीडियो यहाँ पर ले लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये वीडियो जो है ग्रीन पर्दे पे शूट की है, ठीक है। तो आपको भी ज़रूरत पड़ेगी ग्रीन पर्दे के, जाके आप ऐसी वीडियो बना पाओ, ठीक है। तो चलिए, अभी मैंने ये वीडियो ले ली है यहाँ से। तो अभी क्या करूँगा मैं, थोड़ा सा अगर पार्ट्स आपको कट करना, मान लो कुछ गलत वगैरह हो गया है, तो सिंपल इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर कैंची का एक आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से जैसे लेफ्ट राइट जहाँ का भी आपको पार्ट्स कट करना है वहाँ पर ऐसे कट कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर स्टार्टिंग में ले लीजिए। उसके बाद क्या करना है, हमें इसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए भी फ्रेंड्स आपको इस वीडियो पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर देखिए क्रॉपिंग का एक ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम जैसे हमें जितना दूर चाहिए उतना दूर हम यहाँ पर क्लिक करके इसे क्रॉप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने इसे क्रॉप कर लिया, अब इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करेंगे। तो वापस इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए क्रोमा की का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके इसे हम यहाँ से इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ब्लैक रिमूव हो गया। इनेबल करने के बाद फ्रेंड्स ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो गई है, लेकिन पूरी तरह से रिमूव नहीं हुई है, तो हमें इसकी सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी जो है यहाँ से हम सेटिंग कर लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी ये हमारा यहाँ से बन चुका है। तो अभी फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस फोटो पर क्लिक करके और यहाँ से हम इसको पीछे यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये हेलीकॉप्टर जहाँ तक जा रहा है हमारा, देखिए ये यहाँ तक जाके ख़त्म हो जा रहा है। इसके बाद हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कैची के आइकॉन पे क्लिक कर देंगे, मतलब बीच से हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर हमें इफेक्ट देना रहेगा, ठीक है। तो पहले हम चलिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे वाली वीडियो पर, थोड़ा सा हम यहाँ पर पार्ट्स कट कर देंगे फ्रेंड्स और वापस इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम की पे क्लिक करेंगे हम और थोड़ा सा आगे लेंगे और अपनी फ़ोटो को यहाँ पर खींच लेंगे, अपनी वीडियो जो हमारी वीडियोस है उसे हम इस तरह से ले लेंगे एकदम अच्छे से। फ्रेंड्स आप सेट कीजिए, फिर थोड़ा सा लेयर को आगे लीजिए, फिर अपनी वीडियो को यहाँ पर ले लीजिए एकदम जहाँ पर एक बार पहली बार आप सेट कर रहे होंगे, आपको वहीं पे सेटअप करना है इस तरह से। फिर लेयर को आगे लीजिए, फिर अपनी वीडियोज़ को यहाँ पर सेट कर दीजिए जैसे आपने सेटअप किया था। बस फ्रेंड्स आपको ऐसे करते जाना है, ठीक है। बहुत ही आसान है फ्रेंड, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा सा वीडियो बना लेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा एक बन चुका, अभी तो हम यहाँ से ओके कर देते हैं। अभी सेम फ्रेम दूसरे पे भी हम यही करेंगे, अभी दूसरे वाले पे हम क्लिक करेंगे और थोड़ा जहाँ जैसे हमारा आगे आएगा यहाँ तक, ये यहाँ तक और बाकी के पार्ट्स को हम इसको कट कर देंगे इस तरह से। कैची के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके बाकी पार्ट्स को कट कर देंगे। वापस इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लेने के बाद फ्रेंड्स हम वापस की पे क्लिक करेंगे, लेयर को थोड़ा आगे लेंगे फिर लेयर को थोड़ा आगे लेंगे, फिर फ़ोटो को यहाँ से लेंगे आगे, मतलब हमारी वीडियो को आगे लेंगे,
फिर इस तरह से फिर वापस लेंगे। ये देखिए, जैसे कि फ्रेंड्स हमने अपने हाथ से इसको फेंका है बॉम्ब को, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो उस तरह से हम इसको यहाँ पे ले लेंगे, फिर थोड़ा आगे करके ऊपर ले लेंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर यहाँ पर हम ले लेंगे इसको, फिर थोड़ा सा सेटअप कर देंगे यहाँ पे, फिर थोड़ा सा आगे लेंगे। और यहाँ पर देखिए प्लस का आइकॉन है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए आप, ताकि ये आपका स्टेबल रहेगा। ये देखिए, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी जो वीडियोज़ थी वो पूरी तरह से बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आप सॉन्ग भी डाल सकते हो, सॉन्ग को डालने के लिए अगर इस वीडियो के अंदर सॉन्ग है तो आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से क्लिक करके इसे म्यूट कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का सॉन्ग आपको न सुनाई दे। आप अपना इसके अंदर कोई सॉन्ग डाल दीजिए। अपना सॉन्ग डालने के लिए आपको यहाँ पर ऑडियो पर क्लिक करना है, और जो भी आपके फ़ोन में सॉन्ग्स रहेंगे वो यहाँ पर आपको शो करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपको सॉन्ग अच्छा लगे आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। तो जैसे चलिए मैं अभी वाला यहाँ पर प्लस के अकाउंट पर क्लिक करके एक सॉन्ग यहाँ पर देखिए ऐड करके दिखा दिया। सब कुछ जब आपका बन जाएगा, सब कुछ ओके होने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे डाउनलोड करना पड़ेगा आपके फ़ोन में। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो आपका जो ये जो वीडियो आपने बनाई थी वो एक्सपोर्ट होना आपके फ़ोन में चालू हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने ये वाली वीडियोज़ बनाई थी, और आप भी उम्मीद है कि सीख लिए रहेंगे कैसे हम 26 जनवरी की या व्हाट्सअप स्टेटस की वीडियो या फिर टिकटॉक की वायरल होने वाली वीडियोस इस तरह से हम कैसे बनाएंगे। अगर फ्रेंड्स कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। और फ्रेंड्स एक और रही खास बात, जो वीडियो का थीम है वो अगर चाहिए तो आपको वीडियो के लास्ट में वो मिल जाएगा, आप मेरी वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद लास्ट के पार्ट्स को कट करके यूज़ कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और वीडियो को देख पाओ। तो फ्रेंड्स मिलते कल एक नए वीडियो में।